Hello and welcome to Newsclick. I'm Paranjay Guha Thakurta. And with me here in the studio, I have Devidas Tuljapurkar. He's Joint Secretary of the All India Bank Employees Association. और आज का जो चर्चा का विषय है सिर्फ देवीदास तुलजापुरकर का व्यक्तिगत जो उन्होंने काम किया और जो उन्होंने जो विसल ब्लोअर और उनका जो द फर्स्ट टाइम ही रिवील्ड हाउ अ बैंक अ पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र किस तरीका से विजय माल्या का ग्रुप को मदद किया. That was the beginning, in a sense, of, you could argue, the decline of the corporate conglomerate headed by Vijay Mallya. Or, Devidas ji, hum sirf Mallya, Vijay Mallya, United Group ke baare mein sirf nahi kahenge. Aur bhi mudda hai. What is the role that employees and workmen directors can play to curb the growth of non-performing assets, yani ki jo bank loans dete hain aur karz dete hain aur phir wapas nahi aata. To pehle aap bataiye, you were a workman director on the board of directors of Bank of Maharashtra for 5.5 years. You worked in the bank for 39 years aur आप विसलब्लोअर बने और आपने भारतीय रिजर्व बैंक, उस समय भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर था, अक्टूबर 2012 में आपने लिखा किस तरीका से एक ग्रुप कंपनी यूनाइटेड इंजीनियरिंग को 40 करोड़ लोन दिया और फिर बैंक का इसमें नुकसान हुआ 18 करोड़. फिर ये होने के बाद भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 150 करोड़ विजय माल्या का एक ग्रुप कंपनी है यूनाइटेड स्पिरिट्स को दिया. तो आप समझते कि यहीं से विजय माल्या का पतन शुरू हुई? बिल्कुल सही है. मुझे याद है यूनाइटेड स्पिरिट का जो लोन प्रपोजल बैंक ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड के सामने आया था सैंक्शनिंग के लिए, क्रेडिट अप्रूवल कमिटी के लिए, तब वो जो बोर्ड नोट थी उसमें यूनाइटेड स्पिरिट एक ब्लू चिप कंपनी है और लगभग उनको बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से 1200-1500 करोड़ का एक्सपोजर एक्सपेक्टेड था. शुरुआत उन्होंने 100 करोड़ का लोन सैंक्शन करके की थी, बाद में वो 150 करोड़ तक गए और जिस ढंग से वो प्रपोजल में बार बार अमेंडमेंट की गई सैंक्शन लेटर में, पर्पज चेंज हुआ, सिक्योरिटी चेंज हुई, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुआ एंड एवरीथिंग वॉज इन फेवर ऑफ यूनाइटेड स्पिरिट. तब जाके मुझे ये लगा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की पहचान ये एक पेंशनर की बैंक है, आम आदमी की बैंक है. इनका जो पैसा है जिस ढंग से गलत ढंग से बांटा जा रहा है, वो अगर यहाँ रोका नहीं गया तो वो 1500 करोड़ तक भी जा सकता है. और आज देखिए क्या हालत है, वो अभी लंदन में है और सरकार कह रहे हैं हम उनको वापस लाने चाहते हैं. कंपनी सिर्फ बैंक ऑफ महाराष्ट्र का लगभग 19-20 बैंकों का पैसा लेके बोल रहे हैं अभी वापस नहीं दे रहे. तब हर कोई मुझे गाली देता था कि यूनाइटेड स्पिरिट जैसा ब्लू चिप कंपनी है, आप देखो उसके रिजल्ट्स क्या है और उसको आप अपोज कर रहे. लेकिन मुझे पता था कि किंगफिशर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है, उसको बचाने के लिए फंड्स डाइवर्ट किए जा रहे और ये मालूमात होने के बाद चुप बैठना ये एक ट्रेड यूनियन साथी के लिए शोभा नहीं देता. देवीदास जी, आपने भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर को एक चिट्ठी लिखा था. उस समय आपने किस कैपेसिटी में चिट्ठी लिखा? जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉयज फेडरेशन. और लिखने के बाद आप ही का चिट्ठी आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र का उस समय चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नरेंद्र सिंह को वापस दे दिया. यानी कि जो विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन, उस समय तो कानून नहीं था मगर फिर भी आपको जो प्रोटेक्शन का जरूरत था वो तो नहीं मिला और आपके खिलाफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मैनेजमेंट हैरान करने का कोशिश किया. मैंने चिट्ठी रिजर्व बैंक को जो लिखी थी उसमें सब्जेक्ट में लिखा था स्पेसिफिकली कंप्लेंट अंडर विसल ब्लोअर. इसका मतलब वो एक प्रोटेक्शन स्वाभाविक है, रिजर्व बैंक ने मुझे देना चाहिए था. लेकिन कोई एक कस्टमर की कंप्लेंट आती है, वैसे साइक्लोस्टेड लेटर लगाकर वो चिट्ठी चेयरमैन के पास भेजी गई और उसी दरमियान
हिंदू ने एक स्टोरी पब्लिश की 7 जुलाई 2012 सही ये, और उन्होंने बोला, आपका मैनेजमेंट बोला जी आप थे इसी के सोर्स, सूत्र यह है कि आपने सारे सूचना इनको दे दिया। सही है। वो बैंक मैनेजमेंट ने विंडिक्टिवली फिर मेरे साथ बर्ताव करना चालू किया। पहले तो उन्होंने मुझे एक शोकॉज नोटिस दी, तब मैं जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉयज फेडरेशन तब भी था, आज भी हूँ, एक मेजॉरिटी रिकॉग्नाइज यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव। अक्टूबर 2012 में एक कारण दिखाओ नोटिस आपके पास गया, और फिर 2014 में आपके पास एक चार्जशीट भी चला गया और आपको आरोप लगाया कि आप मॉरल टर्पिट्यूड, एक मिनट और, जो उस समय आपके खिलाफ जो लिखा था कि आपने ये सब घटना का काफी साल पहले, लगभग 19 साल पहले आपने यूनियन का बुलेटिन में एक मराठी लेख, एक कवि वसंत दत्तात्रेय गुर्जर, इनका एक कविता आपने प्रकाश किया। कविता का नाम है गांधी माला भेतला होता, या अंग्रेजी में कहेंगे गांधी मेट मी, और ये आपका कहना है ये एक सेटरिकल एक तरह से एक कविता है, एक व्यंग किया, और ये 1984 में छपा गया, प्रकाश किया गया और लिखा गया, आपने जो छपा बैंक यूनियन का बुलेटिन में ये अश्लील है, ऑब्सीन एंड वल्गर। पहली जो चिट्ठी उन्होंने मुझे दी थी शोकॉज नोटिस, वो उसमें उन्होंने लिखा कि आपने रिजर्व बैंक को ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, डायरेक्टली आप आरबीआई को अप्रोच हुए हैं, ये गलत है। उसका स्वाभाविक है, मैंने इमीडिएटली रिप्लाई दिया। रिप्लाई देने के बाद बैंक मैनेजमेंट को ये पता चला कि ये कोई कारण नहीं जिसकी वजह से वो मेरे अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे बहाने ढूंढे, लेकिन आपको अचरज लगेगा कि बैंक का एम्प्लॉय डायरेक्टर के नाते जो भी मुझे ऑनेरियम मिलता था, 5,000 रुपये तब सीटिंग फीस थी, वो मैं मेरे नाम से नहीं लेता था, वो यूनियन के नाम से चेक लेता था। मेरी पूरे अकाउंट की स्क्रूटिनी की गई, मेरी पूरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देखी, कहां पर भी कुछ भी बहाना वो ढूंढ नहीं सके। तो ये आरोप लगा दिया। तो आखिरकार उन्होंने कहा कि चलो आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है, और वो अचरज की बात है, उसका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन से कुछ ताल्लुक नहीं है। देवीदास जी, ये केस एकदम सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। सही। और आपका वकील गोपाल सुब्रमण्यम जी थे, और उस समय 2015 साल में जो सुप्रीम कोर्ट का जज जस्टिस दीपक मिश्रा जो जजमेंट दिया, देवीदास तुलजापुरकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, संक्षिप्त में बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। नहीं, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने मुझे डिस्चार्ज दिया था, यानी वो जो चार्जेस मेरे ऊपर लगाया था उससे मुझे मुक्त किया। लेकिन अचरज की बात थी ये कि बैंक मैनेजमेंट ने वो 20 साल पुराना जो एक केस है वो केस निकाल कर लगभग वो मुझे मॉरल टर्पिट्यूड के ऊपर चार्जशीट देने के लिए 20 लाख रुपए खर्चा किया। एक दिल्ली का वकील था, फिर कलकत्ता का एक कोई लॉ फर्म था, उससे वैलिडेट किया, और तब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी फील्ड में जो रहा करती थी वो उन्होंने हेड ऑफिस में शिफ्ट की। यानी पूरा एक माहौल बनाया गया कि बस ये 15 दिन या एक महीने की बात है, इनको बैंक से निकाल देंगे, ये उनकी कोशिश थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो जो डिसीजन है वो बात की बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तब एक स्टे दिया था, यानी निचले स्तर पर जो भी कोई प्रोसीडिंग्स है उसके ऊपर स्टे दिया था। इसका मतलब हाई कोर्ट का डिसीजन वो स्टेट, और जो क्रिमिनल था वो आगे नहीं जा सकता, लेकिन बैंक मैनेजमेंट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाकर वो प्रोसीडिंग्स मेरे ऊपर चलाना चाहते थे, मगर वो सफल नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। एंड फाइनली द चार्जेस अगेंस्ट यू वर डिसमिस्ड। अच्छा, अभी देवीदास जी, आजकल तो हम बैंकों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बहुत कम एम्प्लॉई डायरेक्टर, वर्कमैन डायरेक्टर है, मेरा ख्याल है ही नहीं आजकल। आपको अचरज लगेगा कि कानूनन प्रावधान है कि हर बैंक के बोर्ड में एक एम्प्लॉई और एक वर्कमैन डायरेक्टर होना चाहिए। पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर, नॉट प्राइवेट, नो नॉट प्राइवेट सेक्टर। लेकिन आज की तारीख में किसी भी बैंक के बोर्ड के ऊपर कोई भी डायरेक्टर, हाँ, और आज नहीं, 3 साल से ये जो नया गवर्नमेंट आया है उसके बाद उन्होंने
लगभग एक भी अपॉइंटमेंट नहीं किया। देवीदास जी, आप क्या समझते हैं, अगर ये वर्कमैन एम्प्लॉयज ये बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में निर्देशक बन जाता है तो कैसे, हाउ कुड यू हैव प्रिवेंटेड ये जो एनपीएस बढ़ रहा है जिसमें हम देखते हैं एक तरह से गठबंधन है, जो बड़े बड़े पूंजीपति है उनके साथ बैंकों का जो बड़े बड़े टॉप ऑफिसर्स है एक तरह से गठबंधन है। आप कह रहे हैं इसका ऊपर राजनीतिक दबाव भी आ सकता है, और ये आज लोग कह रहे हैं ये बहुत बड़ा एक समस्या है, देश के लिए समस्या, अर्थव्यवस्था के लिए समस्या है। सो हाउ कुड एम्प्लॉई डायरेक्टर्स और द प्रेजेंस और वर्कमैन डायरेक्टर्स हैव इवन प्रिवेंटेड दिस और कर्ब दिस, ये जो एनपीएस का जो जिस रफ्तार से बढ़ा कुछ सालों से। एक तो वर्कमैन हो या एम्प्लॉय ऑफिसर एम्प्लॉय डायरेक्टर हो, उसको कोई वेटो पावर नहीं रहती, यानी उसको ना कहा इसलिए वो डिसीजन पूरा थम जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो 16 में से एक है, 12 में से एक है या 8 में से एक है, लेकिन वो वॉचडॉग के तौर पे जरूर काम कर सकता है। और मुझे गर्व है कि मैं जब डायरेक्टर था तब ऐसे कई मसले मैंने स्टॉप किए जो गलत डिसीजन होने जा रहे थे, वो मैं रोक सका। लेकिन सबसे बड़ी ये बात है कि इस देश में हाईकोर्ट जज हो या सुप्रीम कोर्ट जज हो, उसके अगेंस्ट इम्पीचमेंट हो सकता है, लेकिन बैंक का चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये जो दो पोस्ट और पोजीशन है, उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ली जा सकती तब तक। वित्त मंत्री तो इनको ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कंडक्ट रेगुलेशन उनके लिए नहीं है। सीबीआई ने अगर उनको हिरासत में लिया तो उनको सस्पेंड किया जा सकता है। आईएएस के लिए कंडक्ट रेगुलेशन है, हाईकोर्ट जज के लिए, सुप्रीम कोर्ट जज के लिए है, लेकिन बैंक के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए कंडक्ट रेगुलेशन नहीं है। और दूसरी बात, आपको आश्चर्य लगेगा, अभी आजकल चंदा कोचर जी के बारे में बहुत कुछ बोला जाता है, हम लोग भी पढ़ रहे हैं, सीबीआई ये नोटिस लगा दिया कि वो देश से बाहर जाने का। ये चंदा कोचर है जिनको भारत सरकार ने पद्म भूषण दिया था। और एक याद दिलाता हूँ, इसके पहले एक रमेश गेली नाम के एक ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के चेयरमैन थे, वो भी दैट बैंक वेंट बस्ट, और उनको पद्मश्री दिया था। और इन सभी के अपॉइंटमेंट रिजर्व बैंक करता है। मुझे सबसे बड़ी अचरज की बात यह लगती है कि आरबीआई आज ऐसी बात करता है जिससे कि ऐसा लगे कि बस उनको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये सभी अपॉइंटमेंट आरबीआई के कंसेंट से हुई है। कहीं ना कहीं आरबीआई की अकाउंटेबिलिटी है, गवर्नमेंट के बैंकिंग डिपार्टमेंट की अकाउंटेबिलिटी है, ये बैंक चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा। हाँ, ये जो वर्कमैन या ऑफिसर एम्प्लॉय डायरेक्टर जो पोस्ट किए जाते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको यूनियन की तरफ से ट्रेनिंग देने की जरूरत है। वैसे गवर्नमेंट या रिजर्व बैंक भी उनको ट्रेनिंग देना चाहिए, लेकिन आज वो चाहते हैं कि ये एक स्टेटस सिंबल के तौर पे ये डायरेक्टरशिप रहे। लेकिन इसके बावजूद जो भी हमारा नॉलेज है, जो भी हमारे पास साहस है, उसका पूरा उपयोग करते हुए कई बैंकों की बोर्ड में हमने ऐसे गलत डिसीजन रोकने की कोशिश की है। इसके पहले एक बहुत पुराना स्वराज पॉल का जो कांड था, तब फर्स्ट जनरेशन जो वर्कमैन डायरेक्टर थे उसमें एक डीपी चड्डा नाम के पंजाब नेशनल बैंक के वर्कमैन डायरेक्टर थे, उन्होंने भी वो पूरा फ्रॉड जो था वो अनफोल्ड किया था। वर्कमैन और एम्प्लॉय डायरेक्टर ने अपनी जो भी एक भूमिका है वो निभाने की कोशिश की है। मैं चाहता हूं कि इससे और ज्यादा भूमिका भी निभाई जा सकती है। अभी इस वक्त हमारा अभी ये जो वार्तालाप आपके साथ है, अभी खत्म करने का समय आ गया। थैंक यू वेरी मच देवीदास जी फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड एक्सप्लेनिंग द इश्यूज। एंड यू जस्ट हर्ड एंड वॉच्ड देवीदास तुलजापुरकर, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन। ही वॉज द पर्सन हु एक्चुअली फर्स्ट ब्लू द विसल on how the Bank of Maharashtra had unduly favored a company in the group headed by Vijay Mallya, who's acquired considerable notoriety of late. And he was victimized thereafter. And today he argues that if the government, which has not appointed a workman director or an employee director in a public sector bank for the last 3 years, that if there were more employees and workmen on the board of directors of public sector banks, this could have prevented the growth of unpaid loans
and non-performing assets, which have grown at a very, very alarming rate in the recent past. And this could have been one way in which the nexus between corrupt big business and politics, which were facilitated by corrupt bankers, could have been curtailed. Thank you very much for being with us, and keep watching Newsclick. Thank you.